नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 43 जवान शहीद और कई घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार अंतरिम बजट में घोषित कई नई योजनाओं से किसानों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने दो न्यायाधीशों के बीच मतभेद के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले संबंधी मामला बड़ी पीठ को भेजा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा नए निर्वाचन आयुक्त बने। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत की अफगानिस्तान में शांति और सुलह से संबंधित घटनाक्रम पर गहरी नजर। और पीवी सिंधु गुवाहाटी में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बसों के काफिले पर आत्मघाती हमले में 43 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। ये हमला दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर दिन में लगभग 3:20 पर हुआ। सुरक्षा सूत्रों ने कहा है कि यह हमला हाल के वर्षों में सीआरपीएफ पर हुआ सबसे घातक और खतरनाक है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने विस्फोटकों से भरी अपनी कार को सीआरपीएफ की बस से भिड़ा दिया, जिससे जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके के बाद आतंकवादियों ने काफिले पर अंधाधुंध गोलीबारी की। गंभीर रूप से घायल सुरक्षा कर्मियों को श्रीनगर में सेना के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी से विशेष भेंट में सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआर भटनागर ने कहा है कि हमले के समय करीब 2,500 सुरक्षा कर्मियों का काफिला बसों से जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। उन्होंने बताया कि धमाके में काफिले की एक बस को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। ये सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय था जो कि जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। करीब उसमें 2500 पर्सनल थे और नडूरा है नए एक्सप्रेसवे के पास पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक बस हमारी डैमेज हुई है ब्लास्ट से और वहां पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जो इंजर्ड थे उनको मेडिकल केयर के लिए शिफ्ट करा दिया गया है। ब्लास्ट की अब जांच की जा रही है। आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है और सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान में लगे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जघन्य हमले की कड़ी निंदा की है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में गृहमंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की है और हमले के बाद की स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बहादुर सुरक्षा कर्मियों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा और सारा देश बहादुर शहीदों के परिवारों के साथ एकजुट खड़ा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, सीआरपीएफ महानिदेशक और राज्य के गृह सचिव से हमले के बारे में बातचीत की है। गृहमंत्री कार्यालय ने कहा है कि उनका कल का बिहार दौरा रद्द कर दिया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि ये जघन्य और व्यथित करने वाला हमला है। उन्होंने शहीद जवानों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री सिंह ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इस हमले को निंदनीय बताते हुए कहा है कि आतंकवादियों को उनके इस जघन्य कृत्य का सबक सिखाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इस हमले को कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल आतंक की ऐसी घिनौनी हरकतों से डटकर लोहा लेंगे और उन्हें हरा कर रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वे इस हमले से आहत हैं। उन्होंने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए।
पापा जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। हमारी युवा पीढ़ी को तेज रफ्तार की जिंदगी पसंद है, पर यही युवा पीढ़ी जब सड़कों पर ओवर स्पीडिंग के कारण हादसों का शिकार होती है तो इसका नुकसान देश को भुगतना पड़ता है। अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले ट्रैफिक नियमों का पालन कर खुद को हादसों से सुरक्षित करिए। जय हिंद। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, जिससे उन्हें कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला से मोबाइल फोन के जरिए जनसभा को संबोधित करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए इस बार के अंतरिम बजट में कई नए कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरे और खराब मौसम की वजह से 3 घंटे इंतजार करने के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री के न पहुंच पाने के कारण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में सहकारिता विभाग के 2 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में झांसी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी झांसी में रक्षा गलियारे की आधारशिला रखेंगे। ये शहर उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के 6 प्रमुख केंद्रों में से एक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कल से लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रूपये प्रति माह की दर से पेंशन सुनिश्चित की गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि इस योजना के अंतर्गत उन कामगारों को भी पेंशन दी जाएगी जिनकी मासिक आय 15,000 रूपये या इससे कम है और वे 18 से 40 की आयु वर्ग के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली तेज रफ्तार सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी नई दिल्ली से वाराणसी तक कानपुर और इलाहाबाद होकर जाएगी। ये रेलगाड़ी सोमवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। एक रिपोर्ट। गति, सुरक्षा और सुविधा इस नए ट्रेन की पहचान है। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, जिसमें कुल 16 वातानुकूलित डिब्बे होंगे। इसके सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे, मनोरंजन के लिए वाईफाई सेवा के अलावा आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। सभी डिब्बों में पैंट्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस ट्रेन में कुल 1,128 यात्री सफर कर सकते हैं। नई दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए लोगों को चेयर कार के लिए 1,760 रूपए देने होंगे, वहीं एग्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए 3,310 रूपए खर्च करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि उड़ान योजना से देश में उड्डयन क्षेत्र के प्रसार में व्यापक सफलता मिली है। आकाशवाणी से विशेष भेंट में जयंत सिन्हा ने कहा कि उड़ान दुनिया भर में अपनी किस्म की नायाब योजना है। जस्ट क्लेवर पॉलिसी डिजाइन एंड लिमिटेड सुनियोजित नीति और सरकार से सीमित धनराशि मिलने पर हम देश में 25 हवाई अड्डों को नया रूप देने में सफल हुए। बीकानेर, कानपुर, पठानकोट और लुधियाना के हवाई अड्डों की भांति ही इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इन्हें उड़ान योजना के जरिए उपयोग करने लायक बना दिया गया। हैव बीन एक्टिवेटेड थ्रू उड़ान। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आज दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के विवादास्पद मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के 6 विषयों पर सुनवाई करते हुए दोनों न्यायाधीशों ने बाकी 5 मुद्दों पर सर्वसम्मति से निर्णय दिया। दोनों न्यायाधीश इस बात पर सहमत थे कि उपराज्यपाल का भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो पर नियंत्रण रहेगा, जांच आयोगों की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा, दिल्ली की निर्वाचित सरकार को लोक अभियोजकों की नियुक्ति का अधिकार होगा,
वह भू राजस्व संबंधी मामलों और विद्युत आयोग या बोर्ड की नियुक्ति से संबंधित मामलों में भी निर्णय करेगी। लेकिन न्यायमूर्ति भूषण ने व्यवस्था दी कि दिल्ली सरकार को प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति सीकरी का कहना था कि नौकरशाही के उच्चतम स्तर पर तबादले और नियुक्ति के मामलों में अंतर किया जाना चाहिए और इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में मतभेद उत्पन्न होने पर उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। न्यायाधीशों के बीच मतभेद को देखते हुए खंडपीठ ने फैसला बड़ी पीठ को सौंप दिया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने दिल्ली सरकार में सेवाओं के नियंत्रण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। सर्विसेज को लेकर एक बात तो स्पष्ट है, भले ही उसके लिए 3 जज बेंच को रेफर किया गया है मैटर, मगर दोनों ही जजेस ने एक विषय पर सहमति जताई है कि Grade 1 Grade 2 अर्थात ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर लेवल के जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग इत्यादि होंगे वो केंद्र के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इसमें अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये फैसला स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर तो जनतंत्र है ना, जो सरकार चुन के आती है अगर उस सरकार को काम करने की शक्तियां ही नहीं है तो फिर वो सरकार कैसे काम करेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। श्री चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग में अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के अलावा 2 निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमा देख आ रहे हो भैया, कभी यहाँ कभी वहाँ, आखिर तुम्हें जाना है कहाँ? टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ सर। अरे भाई ये भी कोई ढूंढने की चीज है, टॉयलेट तो आपकी पॉकेट में ही है। पॉकेट में टॉयलेट? हाँ, अब पब्लिक टॉयलेट को ढूंढना हुआ आसान। गूगल मैप में SBM टॉयलेट टाइप करो और बड़ी आसानी से टॉयलेट खोजो और सीधा पहुँचो। अरे वाह, मिल गया सर। याद रहे टॉयलेट का फीडबैक देना और रेटिंग करना ना भूले। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुनो सुनो, एक खास खबर है, जॉन जोगिंदर मुरली असलम भाई। बोलो भैया क्या है बात, ऐसी क्या लाए सौगात? जन्म से लेकर मरण तक कराओ पंजीकरण, बचपन हो या हो बुढ़ापा, जीवन में हर पल जरूरी। शिक्षा वीजा पेंशन नौकरी काहे करते लापरवाही, गांठ बांध लो मेरी बात, जन्म मरण पंजीकरण होता। मिलो पंचायत सेक्रेटरी या म्यूनिसिपल ऑफिसर से और कराओ जन्म मरण पंजीकरण। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के मद्देनजर सभी निजी टीवी चैनलों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी चैनल ऐसी किसी भी खबर को लेकर सावधान रहें जिससे हिंसा भड़कने की आशंका हो या जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कोई बात हो। भारत ने आज कहा कि अब अफगानिस्तान में शांति और सुलह से संबंधित घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने आज शाम नई दिल्ली में बताया कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर ईरान, सऊदी अरब और रूस समेत सभी क्षेत्रीय देशों के संपर्क में है। गुवाहाटी में 83वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पूर्व चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में रिया मुखर्जी को हराया। पुरुष वर्ग में सौरभ वर्मा और लक्ष्य सेन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले में 43 जवान शहीद हो गए और कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की है और स्थिति का जायजा लिया है। श्री मोदी ने गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में घोषित कई नई योजनाओं से किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने 2 न्यायाधीशों के बीच मतभेद के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले संबंधी मामला बड़ी पीठ को भेज दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष सुशील चंद्रा नए निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में शांति और सुलह से संबंधित घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हुए है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।